हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम सर, हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। हाँ, मुझे ग्रुप का नंबर बता दें। सर एसी ग्रुप नंबर 3। मैं ज़रा ऐड कर लूँ सबको। ग्रुप नंबर 3 आपका। जी सर। अच्छा, ये आपके मेंबर्स कौन कौन है? सर सायरा रहमान, अक्सर इरशाद बस दो हैं आप? और सिदरत राव। सायरा रहमान, अक्सा इरशाद, और नंबर 3 कौन है आपके? सिदरत राव सर मैं ही हूँ। अच्छा, सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। ठीक है सर। टॉपिक क्या आपका? सर हमारा टॉपिक है कवर पेज, कवर लेटर, टाइटल पेज। अच्छा, टॉपिक तो आसान है। मुझे उम्मीद काफी अच्छी तैयारी की होगी आप लोगों ने। टाइटल यस सर, यस सर, पेज भी है ना? यस सर। अच्छा, होस्ट किसको बना दूँ मैं? सर आप अक्सर इरशाद को होस्ट बना दें। जा रहे हैं। ठीक है, मैंने अक्सर इरशाद को होस्ट बना दिया। ओके सर। जी प्रेजेंटेशन ऑफ मिड एग्जाम, ठीक है। टाइटल पेज, कवर पेज, कवर लेटर, इसको बड़ा कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम असलम। जी, स्टार्ट ना करें। यस सर, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आई एम टॉप टुडे आवर टॉपिक इज टाइटल पेज, कवर पेज एंड कवर लेटर। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ टाइटल पेज एंड कवर लेटर। अक्सर स्लाइड आगे करो। बेसिकली इंट्रोडक्शन टाइटल और कवर पेज इज एग्जैक्टली व्हाट यू डिड इमेजिन सर। बेसिकली कवर पेज और टाइटल पेज जो है ऑलमोस्ट सेम होता है, लिटिल बिट डिफरेंस होता है इसमें। टाइटल पेज और कवर पेज बेसिकली वो होता है जो हमने इमेजिन किया होता है, वो एग्जैक्टली जो भी थिंकिंग होती है, जो इमेजिनेशन होती है हमारी, वो हम अपने टाइटल पेज और कवर पेज के थ्रू सामने वाले पर्सन को उसे क्लियर कर रहे होते हैं। और ये जो है फ्रंट पेज होता है हमारा, चाहे एसे का, पेपर का, किसी का भी, ये फ्रंट पेज होता है। और इसमें हमारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, हमारी वर्किंग से के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं हमारी। और इसी तरह से इसमें हमारे जो पेज में इंक्लूड्स होती है इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारा रीडर जो होता है वो हमारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो वर्क्स होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन होती हैं। और उसमें हमारे आर्टिकल्स के ऑथर वगैरह के नेम होते हैं, टॉपिक नेम होता है, इसी तरह तरह जब से आप, हम नेमिंग होती है। हाँ सर। अच्छा, जब आप कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाती हैं या यस थीसिस सर। लिखती हैं, तो उसमें टाइटल पेज और कवर पेज में कहाँ क्या फर्क होगा दोनों?
सर बेसिकली टाइटल पेज और कवर पेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टाइटल पेज और कवर पेज में हम ऑथर नेम और जो टॉपिक नेम वगैरह एग्जैक्टली बिल्कुल सेम तरह से लिखते हैं, पेज नंबरिंग वगैरह सब वैसे ही होती है, बस टाइटल पेज में डिफरेंस ये आता है, हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं सर। टाइटल पेज में और कवर जितना पेज। भी है सर कवर पेज पे हम जस्ट नेमिंग वगैरह कर रहे होते हैं, समराइज नहीं करते हैं अच्छा चले आगे चले। हाँ सर। हाँ स्लाइड बैक करो। सर इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन है हमारा कवर लेटर का। सर कवर लेटर बेसिकली वो होता है कि कोई भी पर्सन हो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो कवर लेटर हम इसलिए लिख रहे होते हैं कि उसमें हमारी इंट्रोडक्शन होता है और हमारी एबिलिटी स्किल्स वगैरह के बारे में हम रिज्यूम जैसे होता है हमारा उसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कवर लेटर में। बेसिकली कवर लेटर हमारा वो होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आओ। और इसी तरह हमारी नेक्स्ट स्लाइड है हाउ टू राइट कवर लेटर। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि कंपनी में अगर हम अपने करियर गोल्स के लिए अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस ऑन योर मोस्ट रेलिवेंट एक्सपीरियंस, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उस पर हम फोकस करके अपने क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स को बताते हैं कवर लेटर में। और जो हमारे रिपीटिंग पॉइंट्स जो होते हैं उसे हम अवॉइड करते हैं। और इसी तरह से फिर लास्ट में हम क्लोजिंग में थैंकिंग का एम्प्लॉयर को थैंक्स कर रहे होते हैं सर। और उसके अलावा जो हमारी सम अप ये होता है क्वालिफिकेशन और रोल को जो हमारे जिसमें इंटरेस्ट होता है हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कवर लेटर में। इसी तरह हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि एलिमेंट्स क्या हैं कवर लेटर और टाइटल पेज के, वो डिस्क्राइब करेंगी अक्सा सॉरी साहिरा। सर जो एलिमेंट ऑफ टाइटल पेज और कवर पेज, सर जो टाइटल पेज के लिए हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं सर FIP प्रोजेक्ट के लिए सर, वो सबसे पहले जो आता है हमारा यूनिवर्सिटी लोगो और सर प्रोजेक्ट टाइटल। सर उसके बाद हमारा आता है जो प्रोजेक्ट ईयर होता है हमारे पास सर, उसके बाद जो स्टूडेंट नेम होता है सर उसकी CMS ID या रोल नंबर हो सर, उसके बाद जो बैच ईयर हमारे पास होता है सर सुपरवाइजर नेम आते हैं हमारे पास सर, कोर्स सुपरवाइजर नेम आते हैं सर, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का सर नाम होता है और यूनिवर्सिटी का एड्रेस होता है सर। उसके बाद हमारे पास है कोर्स नेम और सर प्रोफेसर नेम और जो पेपर की जो ड्यू डेट होती है सर, जिस डेट पे हमें सबमिट करवानी होती है सर वो डेट। अक्सा नेक्स्ट करो तो बड़ा करके नहीं सर, ये दिखाते एग्जाम्पल है टाइटल पेज की सर, ये एग्जाम्पल है टाइटल पेज की सर। ये सर टाइटल सबसे पेज, पहले हमारे तो ये टाइटल पास पेज है तो कवर पेज कैसा होता है इसकी भी कोई पिक्चर दिखानी थी ना। ये तो टाइटल पेज है सर उसकी एग्जाम्पल तो नहीं है नहीं, बहुत सारी होती है सर, जैसे आगे कि जाके आएगी सर वो चले। अच्छा ठीक है सर। इसमें है सबसे पहले सर यूनिवर्सिटी का तो लोगो है सही सर, उसके बाद हमारे पास है जो प्रोजेक्ट सर टाइटल जो प्रोजेक्ट का नाम है और सर उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट नेम है और जो हमारे पास इसमें सर है प्रोजेक्ट ईयर और इसमें सर सुपरवाइजर सर यहाँ पे सुपरवाइजर की सिग्नेचर होंगे और जो हमारा को सुपरवाइजर होंगे सर उनके सिग्नेचर सर। इसमें फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर यहाँ पे मतलब के हमारे पास जो हमारे हेमतर का सर एड्रेस होगा और सर डिपार्टमेंट का नाम सर यहाँ पे वो आएगा। ये इसमें आपने अच्छा नेक्स्ट करो। ये सुने, रुके रुके, ये आपने FYP बनाया अपना स्मार्ट लाइब्रेरी ऐप, जी सर तो टाइटल तो सही नहीं है, जी सर टाइटल सही नहीं है, पूरा नहीं है। या तो आप इसको लिखिए स्मार्ट स्मार्ट लाइब्रेरी एप्लीकेशन पूरा करें, या तो, या अगर आप ऐप लिख रहे हैं तो ऐप के आगे डॉट लगाएं, जी सर ठीक है। समझ गए जी सर। नेक्स्ट है की एलिमेंट्स ऑफ कवर लेटर। हमारे जो कवर लेटर के एलिमेंट्स होते हैं, पहले होता है हमारे इंफॉर्मेशन अबाउट, हमारे बारे में इंफॉर्मेशन, वो हमारी बिगनिंग पार्टी का कवर लेटर के, हमारा कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, हमारा ईमेल और हमारा फोन नंबर। और फिर इसके बाद हमारे पास डेट होती है जिस हमें बिजनेस लेटर में डेट इंक्लूड होती है। उसके बाद हम जिसको कवर लेटर लिख रहे हैं जिस कंपनी में उनका उनका नाम होता है, उनका टाइटल होता है, उनका एड्रेस होता है, उनका कांटेक्ट होता है। और फिर उसके बाद हम सैलूटेशंस होती हैं जिसमें हमें डियर जिनको हम लिख रहे होते हैं उनका नाम होता है। हमारे ओपनिंग पैराग्राफ में जो हम कर रहे होते हैं, यानी जो हमने इंटरव्यू वगैरह, यानी जो हमने ओपनिंग पैराग्राफ में ये होता है कि जो हमारे हमने जहाँ से
एडवर्टाइज देखा होता है वो, और जो हमने जितने जिस कंपनी में काम किया होता है उसका इंट्रोडक्शन, मिडिल में होता है जो हमने स्किल्स, हम जिस स्किल्स से हम काम कर रहे होते हैं, जो हमारे पास स्किल्स होती हैं, जो हमारी हार्ड स्किल्स होती हैं वो, और सेकंड मिडिल पैराग्राफ में जिस हमने प्रोजेक्ट में काम किया होता है जो भी सॉफ्ट स्किल्स वो होती हैं, और लास्ट में होता है हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्लोजिंग, यानी जो हमारे कॉन्टैक्ट कर सके हमें जॉब के लिए हम वेरिएबल हैं, और क्लोजिंग में उनका आता है नेम, सिंसियरिटी उनका नेम। सही है, हमारा प्रोग्राम कवर लेटर है जिसमें हमारा प्रोग्रामर के लिए जिसमें हमारा नेम है, एड्रेस है और ईमेल है। बहुत छोटा है इसको, इसकी पिक्चर बड़ी डालनी चाहिए थी आपको, ये व्यू बहुत छोटा है, मुझे नजर नहीं आ रहा, बल्कि किसी को भी नजर नहीं आ रहा होगा। चले अच्छा बताएं मुझे इसका क्या होता है। सर इसमें हमने जिनको लिखा है मैनेजर को, हायरिंग मैनेजर को, उस बारे में, और सर इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में हमने जिस एडवर्टाइज से जहाँ से हमने देखा था उसके बारे में, और हमने जहाँ जिस कंपनी में हम काम करते हैं जितने साल हमारे पास एक्सपीरियंस है हमने वो लिखा है। सेकंड पैराग्राफ में हमने अपने स्किल्स, जैसे हमने C++ में, जावा में, जिस पे भी जिस लैंग्वेज में हमने उस कंपनी में काम किया है, जो भी स्किल्स, जिस स्किल्स पे काम किया वो लिखा है, और इस पे हमने अपने जिस प्रोजेक्ट पे, जिस जो भी मेथोलॉजी जिस पे भी काम किया है वो इस बुलेट पॉइंट पे है। लास्ट में हमारा लिखा हुआ है कि जो हमने जिस पे हम वेरिएबल है जॉब के लिए उसके बारे में, और फिर हमारी सिंसियरिटी और हमारा नेम या हमारा सिग्नेचर। सिद्रा प्रेजेंटेशन किसने बनाई है आप तीनों में से? सर हम तीनों ने मिलके ही बनाई है, और मिलके ही सर्च किया था, एक जगह डेटा मर्ज किया, उसके बाद प्रेजेंटेशन बनाई गई है। आगे स्टार्ट करें जी। सिद्रा सॉरी मैं म्यूट करके बोल रही हूँ। नाउ आर नेक्स्ट स्लाइड इज सिग्निफिकेंस ऑफ कवर लेटर एंड कवर पेज एंड टाइटल पेज। बैक करो, तुमने स्लाइड आगे कर दी है। टू मेक अ गुड फर्स्ट पॉइंट है हमारा, टू मेक अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। बेसिकली कवर लेटर के लिए हमारा हमारी इंपॉर्टेंस ये है, हमने इंपॉर्टेंस डिस्क्राइब की कवर लेटर की, कि हमारा गुड फर्स्ट इम्प्रेशन होता है कवर लेटर के थ्रू। बेसिकली हम इसमें अगर अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, इसमें अपने स्किल्स वगैरह बताते हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिट भी है एक, और इसकी इम्पोर्टेंस भी है ये। और सेकेंड पॉइंट है टू गिव ब्रीफ अबाउट द टॉपिक। हम डिस्क्राइब कर देते हैं, बिल्कुल ब्रीफली डिस्क्राइब, ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, अपने टॉपिक्स को, कि हमारा इस चीज़ में इंटरेस्ट है और हमें ये चीज़ें आती हैं, तो ये हम एक इसकी इम्पोर्टेंस है कवर लेटर की। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है सर अपॉर्चुनिटी टू एंगेज अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। सर मतलब कि हमारे पास जो एम्प्लॉयर होते हैं बेसिकली वो अपने सारे स्किल्स, सर उसकी जो क्वालिटी होती है, सर जॉब्स वगैरह के लिए जो भी सर रिक्वायरमेंट होती है तो वो कवर लेटर में सर डिफाइन करता है। सर नेक्स्ट करता है। अच्छा क्या मतलब इसका अपॉर्चुनिटी? ये मार्केटिंग टू, इस पॉइंट का क्या मतलब होगा? अपॉर्चुनिटी टू एंगेज अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। सर मतलब कि इनकरेज करता है सर एम्प्लॉइज अपनी सारी स्किल्स वगैरह से। यहां तो एम्प्लॉयर की बात हो रही है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज में क्या फर्क है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज में क्या फर्क है? आप लोगों ने पढ़ा नहीं इसको। यस सर, एम्प्लॉयर बेसिकली वो होता है, एम्प्लॉइज होना था सर, ये उसका इशू है, मिस्टेक, गलत लिखा आपने, टाइपिंग का इशू। यस सर, एम्प्लॉइज होना था यहाँ पे, नहीं मैं अपॉर्चुनिटी टू एंगेज अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर तो उसको कहते हैं जो नौकरी पर रखता हो। तो सर ये पॉइंट ठीक है ना? आप लोग बहुत गलत कह रहे हैं। हेलो हेलो सर, ये बेसिकली एंगेज करता है एम्प्लॉयर को, कि हमारी डिस्क्रिप्शन जो होती है ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। आप सही कह रहे हैं आप लोग, ठीक है आगे। सर एम्प्लॉयर वो होता है मतलब सर जो ऑर्गेनाइजेशन को सर एम्प्लॉय कर,
सर इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ मार्केटिंग टूल। सर ये बेसिकली मार्केटिंग टूल होता है और ये जो कन्वेंस करता है एम्प्लॉय को कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उसको टाइम देने के लिए, एम्प्लॉयर जो होता है बेसिकली उसको उसके लिए होता है कि ये अपना टाइम देता है और फिर हमारे रिज्यूम को देखता है, ये हम इसकी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हम कवर लेटर में अपने डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें जैसे सेकंड पॉइंट बताया था तो उसमें हम ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं, तो ये एक मार्केटिंग टूल है, उसे एम्प्लॉयर को कन्वेंस करने के लिए होता है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे आपने गलत लिखा है मेरे हिसाब से, इट इज अ मार्केटिंग टूल टू कन्वे द एम्प्लॉय टू टेक द टाइम टू लुक एट योर रिज्यूमे। सही लिखा है, इसका क्या मतलब है? आपने उठा के तो डाल दिया लेकिन इसका मतलब क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए जब भी कोई चीज डाले उसको पढ़ के समझा करें। एम्प्लॉयर आना चाहिए यहाँ पे या एम्प्लॉय आना चाहिए? सर एम्प्लॉयर आना चाहिए यहाँ पे। तो फिर आपने एम्प्लॉय लिखा हुआ है। हाँ सर वर्डिंग मिस्टेक हो गई है। अच्छा ये कवर लेटर जो है बेसिकली अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे बताना आपको ये था कि कवर लेटर क्या होता है, कवर पेज क्या होता है और तीसरा क्या था, टाइटल पेज, टाइटल पेज क्या होता है, इसके जस्ट डिफरेंस बताना था और सिग्निफिकेंस बतानी थी। कवर लेटर क्या होता है, कभी भी आप कोई एप्लीकेशन देते हैं, जब भी आप कहीं कोई एप्लीकेशन देते हैं या कोई आप मुद्दा बयान करते हैं, मैं थीसिस जमा कराने जा रहा हूँ तो थीसिस, उस थीसिस के ऊपर या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ऊपर एक कवर लेटर लगेगा जो कि बताएगा कि भाई ये थीसिस हम जमा कराने जा रहे हैं। कवर पेज क्या होता है, कवर पेज ये होता है कि थीसिस का या किसी बुक का या किसी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट हार्ड फॉर्म होती है, जो फर्स्ट पेज तो नहीं कहेंगे, जिसको कहते हैं ना हार्ड, हार्ड होता है उस, वो हमारा कवर पेज होता है, वो टाइटल, हाँ वो कवर पेज कहलाता है और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है डिस्क्रिप्शन में वो टाइटल पेज कहलाती है। ठीक है आगे चले। सर ये फर्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन तो किया था। ठीक है वो कर दिया था आपने। यहाँ पे कवर लेटर क्या है, सिग्निफिकेंस के सर आगे कंटिन्यू कर रहे ना, सिग्निफिकेंस बताया अब, कवर टाइटल पेज की सिग्निफिकेंस कंटिन्यू करके डिफरेंस पे जाएंगे हम। चले सर, जैसे अभी सिग्निफिकेंट है कवर पेज के और टाइटल पेज के, हमारी अपॉर्चुनिटी टेल दी पोटेंशियल रीडर और अबाउट योर सर्च प्रोजेक्ट इन अबाउट, यानी एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी होती है कि वो टाइटल पेज और कवर पेज बताता है कि हमारा जो सर्च है प्रोजेक्ट है वो किस बारे में, और इसमें एक अपॉर्चुनिटी है कि डेमोस्ट्रेट कर सकता है आपकी पर्सनैलिटी को और डेमोस्ट्रेट करता है आपका प्रोफेशनल एम को कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। ठीक है और ये सबसे इंपॉर्टेंट कवर पेज होता है हर बिजनेस को कम्युनिकेट, दो बिजनेस और पीपल को कम्युनिकेट करने में एक अच्छा एक्ट करता है, क्योंकि सर हमारा फर्स्ट कवर पेज या टाइटल पेज जब देखा जाएगा तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट या हमारी बुक या हमारी थीसिस वो किस बारे में है, उसका सब्जेक्ट क्या है, तो वो गुड कम्युनिकेट करेगा। सर बेनिफिट्स हैं टाइटल पेज के, बेनिफिट्स हैं टाइटल पेज के और कवर पेज और कवर लेटर के। बेसिकली हमने फर्स्टली पहले हमने कवर लेटर को डिस्क्राइब किया है और इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, रिक्रूटर विल सी हु पुट द वर्क इन। सर बेसिकली जैसे हमारे एम्प्लॉयर होता है जो हमारी CV देख रहा होता है या हमारे कवर लेटर चेक कर रहा होता है, वो हमारे वर्क को चेक करता है, वो हमारी वर्किंग को देखता है, तो वो देख सकता है, ये हमारा एक बेनिफिट है क्योंकि हम उसमें डिस्क्राइब कर चुके होते हैं कि हमें, हम इस चीज़ में और हमारी पर्सनैलिटी में हमें ये स्किल्स आते हैं, हमें ये स्किल्स नहीं आते हैं, मतलब हम ऑब्वियसली बातें अपनी चीज़ें बताएंगे कि हमें ये स्किल्स आते हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, उस हिसाब से हमें जॉब के चांसेस होते हैं। इसी तरह से योर रिज्यूम इज़ फैक्चुअल, योर कवर लेटर इज़ पर्सनल। रिज्यूम फैक्चुअल होता है और कवर लेटर पर्सनल होता है, तो ये भी एक बेनिफिट्स में। डेमोन्स्ट्रेट योर इंटरेस्ट, सर हमारा इंटरेस्ट जो होता है उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है बेसिकली, और शो करता है ये हमारे रिसर्च को, जो हमने रिसर्चिंग की भी होती है हम उस कवर लेटर में डिस्क्राइब करते हैं तो वो उसे रिसर्च करता है, ये भी एक हमारा बेनिफिट है। और कवर लेटर गिव्स यू येट अनदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्टेट योर केस, अ क्लियर पिक्चर ऑफ योर करियर गोल इमर्जेस
वेन यू यूज़ अ कवर लेटर, हमारे क्लियर पिक्चर होते हैं करियर गोल के लिए कवर लेटर बेसिकली, क्योंकि इससे हमारे बहुत चांसेस होते हैं इस कवर लेटर के थ्रू हमें जॉब कौन किस तरह की मिल सकती है, जिस तरह की हम चाहें उस तरह की मिल सकती है, हमारे स्किल्स पे डिपेंड करता है। इसी तरह से कवर पेज और टाइटल पेज के बेनिफिट्स हैं। आगे हेलो सर, जो कवर पेज और टाइटल पेज होता है वो टाइटल हेल्प करता है रीडर को इन्वॉल्व होने में और समझने में रिपोर्ट के पूरी रिपोर्ट है किस बारे में। ये क्रिएट बैनर वो ब्रांड ऑर्गेनाइजे वो रीऑर्गेनाइजे सॉरी सॉरी सर रिकंसलेशन होता है, इंक्रीज वेब ट्रैफिक करता है और ऑडियंस की ग्रोथ ग्रोथ योर ऑडियंस एंड प्रमोट योर कंटेंट। जो हमारा कंटेंट होता है उसको प्रमोट करता है और ऑडियंस की तवज्जो लेता है, ताकि जो हमारा टाइटल पे जो कवर पेज होता है कि किस प्रोजेक्ट में किस के बारे में किस हवाले से प्रोजेक्ट है। सायरा सर, डिफरेंस बिटवीन सर टाइटल पेज और कवर पेज सर। सर टाइटल पेज जो हमारे पास होता है सर, उसमें सिर्फ हमारे पास सर जो सर टाइटल होता है और सर स्टूडेंट नेम वगैरह होते हैं सर उसमें, और सर कोर्स का नाम होता है। जो कवर पेज होता है सर, उसमें सर यूनिवर्सिटी का सर लोगो होता है सर उसमें, और जो हमारे पास जिस डेट पे हम सबमिट करवा रहे हैं सर, वो डेट होती है। और सर टाइटल इन लार्जर फंड इन द सेम एंड नॉट डेट इनिशियल सर, जो टाइटल हमारे पास होता है सर वो लार्जर फंड में होता है, लेकिन जो उसकी सेम डेट वो इनिशियल होती है सर। कंटेंट सेम इन सर कैपिटल फॉर द टाइटल, और सर जो टाइटल होगा सर वो कैपिटल लेटर में होंगे सर। कंटेंट सेम इन्फॉर्मेशन एज द कवर बट मे कंटेन इन द समरी और इन एब्स्ट्रैक्ट द टेबल ऑफ कंटेंट इन द पैराग्राफ फॉर्म सर। जो कंटेंट होगा सर वो सेम इन्फॉर्मेशन होगी सर कवर पेज में भी टाइटल पेज में भी, लेकिन सर जो थोड़ा डिफरेंट आता है सर वो समरी में आता है सर। जो टेबल कंटेंट होंगे सर वो पैराग्राफ में होंगे सर। जो टाइटल पेज इज अ नंबर सर, पहले हमारे पास कवर पेज आएगा सर, उसके बाद हमारे पास इसमें कहाँ टाइटल गया जाएगा। कवर लेटर में जी सर, टेबल सर ऑफ जी सर कंटेंट मतलब सर जिस सर एफआईपी प्रोजेक्ट के लिए सर, मतलब कि मेहनत जैसे नहीं हम किया आप लोगों एफआईपी ने, प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हो तो उसमें जी सर मेहनत नहीं की आप लोगों ने बेटा। डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड कवर पेज, यहाँ डिफरेंस क्या बताना चाह रहे हैं? सर डिफरेंस इतना नहीं, दोनों सेम ही है बस सर, बस थोड़ा सा डिफरेंस यही आ जाता है सर, मतलब दोनों में इंफॉर्मेशन सेम ही होती है, बस समरी में थोड़ा डिफरेंट आ जाता है सर। तो टेबल ऑफ कंटेंट होता है हमारे पास वो पैराग्राफ फॉर्म में होता है सर, और सर कोर पेज में सर हमारे पास यूनिवर्सिटी लोगो होता है, टाइटल पेज में सर जो हमारे सब्जेक्ट का नाम हो सर वो आ जाता है, देखिए टेबल ऑफ और कंटेंट तो ना टाइटल पेज सर टाइटल पेज में आता है ना कवर पेज में आता है, जो आपने यहाँ बात लिखी है ना। सर टाइटल सर टाइटल पेज में टाइटल सर पेज में टेबल एफआईपी ऑफ अगर प्रोजेक्ट कंटेंट आता वगैरह है? बना रहे हो तो सर उसमें टेबल कौन नहीं बेटा, आगे चलें। अच्छा स्टार्ट करें। सर कंक्लूजन में बेसिकली कवर पेज और टाइटल पेज में यही कंक्लूजन जो हमने ऊपर इतनी सारी डिस्क्रिप्शन दी है उसमें यही है कि हम अगर कोई भी कवर पेज और टाइटल पेज बेसिकली वही होता है कि हम उसमें सारी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, पब्लिशर ऑथर नेम वगैरह एडिशंस वगैरह जो होती हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं, और हमारे जो वर्क होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को करते हैं। मीन्स बेसिकली हमारे वर्क की इन्फॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट की है उसके हिसाब से हमने टाइटल पेज का नेम सेट करना होता है, टॉपिक नेम रखना होता है। यही कंक्लूजन में यही पार्ट्स हैं, और इसके जो इट इज़ एंड डिजाइन टू बी एन इंडिकेटर ऑफ द बेसिक पॉइंट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, हम वही बात है जो हम इसमें वही करते हैं, जो बेसिक हमने इन्फॉर्मेशन ली हुई होती है कलेक्टिवली जो पॉइंट्स होते हैं उस हिसाब से हम इसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं।
और कवर पेज इसी तरह से कवर लेटर है, कवर लेटर में हमने यही करना होता है कि जो हमारी कंपनीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती है, उसमें जो जॉब एप्लीकेशन होती है, तो उसमें हमने किस तरह से अपने स्किल्स को रिटर्न वर्क में लिखना होता है, हमें शो करना होता है कि ये हमारे स्किल्स हैं, किस तरह से अपनी बात को कन्वे करवाने के लिए हम उसमें बातें मतलब कन्वे अपनी बात को कन्फेस करवाने के लिए हम पूरे ट्राई करते हैं, कवर लेटर को अच्छे से वो राइट कर कर देते हैं कि लगे हम प्रोफेशनल हैं इस तरह से। कवर लेटर बेसिकली यही कवर लेटर का काम होता है चले कि ठीक हम है, आपने एनी बता पर्सन दिया हायर इसमें, कर सकते हैं। अच्छा इसमें बता दिया। चले एक एक एग्जांपल आपको टाइटल पेज की और कवर पेज की देनी चाहिए थी कि कवर पेज इस तरह का होता है, टाइटल पेज इस तरह का होता है, और कवर लेटर की तो खैर आपने दी थी, तो उसमें आपको जो टॉपिक देने का मकसद ये था कि आपको कम से कम क्लियर हो जाए कि अगर हम कहीं कोई एप्लीकेशन देते हैं, कुछ भी अप्लाई करते हैं, कोई अपना डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं, तो उसके लिए हमारा कवर लेटर यूज होता है जिसके अंदर टोटल डिस्क्रिप्शन होती है। सिर्फ जॉब एप्लीकेशन के लिए कवर लेटर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि अगर आप कोई थीसिस जमा करा रहे हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जमा करा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी एक कवर लेटर यस होता है, सर, ठीक है। हाँ और कवर पेज क्या होता है या टाइटल पेज क्या होता है, ये टोटल डिफरेंट है हमारा उससे, कवर लेटर से। हमारे जब हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है जिससे हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज आवर टाइटल और कवर पेज, ठीक है। ये आप लोगों ने थोड़ा सा बताना है। चले बाहर प्रेजेंटेशन में मेहनत की है आप लोगों ने, लेकिन उसका सही डायरेक्शन नहीं था। अच्छा इसमें एक चीज और डाल देते अगर आप लोग, कि इसकी एग्जांपल्स कैसे हैं। जैसे टाइटल पेज इस तरीके का होता है आपने शुरू में डाला है, और कवर पेज इस यस तरीके का सर। होता है, ठीक है। ये थोड़ी चीज के अंदर सर बेसिकली हमने बहुत सर्च किया था, हमारे रिसर्च के बाद हमें जो पॉइंट्स मिले थे, जस्ट एक वही पॉइंट मिला था हमें समराइज करने का, और कोई भी पॉइंट डिफरेंट नहीं था। बेसिकली यही था, सब जगह हर वेबसाइट पे हर जगह पे यही चीज़ें आ रही थी कि ऑथर नेम होता है और फिर नेमिंग होती है, टॉपिक नेम होता है, और कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था। पेज नंबर कभी किसी लिंक में टाइटल पेज पे वो आ रहा है तो कभी कवर पेज पे वो आ रहा है। बस एक पॉइंट मिला हमें कि लिटिल बिट डिफरेंस होता है जो हमने डिस्क्राइब कर दिया। चले ठीक है। और कोई नेक्स्ट ग्रुप है तो मुझे बता दे। सर आप मुझे बता दें किस ग्रुप में किसको होस्ट बनाना है। ये तो जी बात सर, हम लोग हैं प्रेजेंटेशन के लिए। एक मिनट। सर तब तक हम प्रेजेंटेशन दे दें अगर कोई होस्ट नहीं बन रहा तो। हेलो हेलो जी। हाँ आ गए थे आ गया, ठीक डर गए है। सर।
यही हम तो बस आते ही मुझे वेट कर लो 2 मिनट आते हैं तो फिर मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन तो लाओ कवर तो कर लो भाई। अच्छा तो आप भाई भी हैं हमारे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वालेकुम अस्सलाम। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ग्रुप कौन सा है आपका? आप क्यू हैव ओनली 9 मिनट्स 8-9 मिनट आपके पास, तो आप प्रेजेंटेशन दे दें। कौन कौन ग्रुप मेंबर है आपके? सर साथ जैन और तुराब लतीफ गौरी। ठीक है तो अच्छा सर मुझे स्क्रीन शेयर करनी है मेरा होस्ट जो है किसको बना दूं होस्ट? सर साथ शमसी को। साथ शमसी एक मिनट साथ बना दिया आपको मैंने। ओके ये ले। ठीक है साथ एक मिनट मैं जी सर शो हो रही है बिल्कुल। टॉपिक क्या है आपका? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कंटेंट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग टेक्निकल बेसिकली टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग। टॉपिक यही है आपका? जी ठीक है आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाह हम स्टार्ट करें। आवर ग्रुप मेंबर्स इज Saad Shamsi, Turab Latif Ghauri and Zain Khan. First of all, content of W, technical report writing. थोड़ी आवाज ऊंची रखिएगा, ऊंची साथ आवाज ऊंची रखिएगा जी। ओके सर, फर्स्ट वी टॉक अबाउट द टाइटल पेज। इफ वी सेट के अ शॉर्ट क्लियर टाइटल विच क्लियरली इंडिकेट के हम कोई भी रिपोर्ट अगर बना रहे हैं तो उसका टाइटल पेज की आसानी होना चाहिए और डेट एंड हु इज़ द रिपोर्ट एंड कंटेंट लिस्ट कि जिस तरीके से हम एक बुक होती है हमारे पास। अब मैं उसका यूजुअली एक कोई भी अगर मैंने लिखी है या आपने लिखी है उसके बारे में उसके कंटेंट जिस तरह भी हो तो उस बेसिकली हम उसके टाइटल के बारे में डिसाइड करते हैं कि अगर उसका पैटर्न है किस तरह है हम जो आपका नाम होता है वो कहाँ आना चाहिए, जो मेरा नाम होता है वो कहाँ आना चाहिए, अगर मैं इसी और गोज करवा रहा हूँ तो वो कहाँ आना चाहिए, तो उसका पैटर्न डिफरेंट होता है बिल्कुल इस तरीके से। तो हम उसके अंदर सिर्फ इंडिकेट्स करवाते हैं रिपोर्ट्स की टाइटल पेज नॉर्मली इंडिकेट्स द डेट एंड हु इज द रिपोर्ट इज फॉर कॉन्टेंट लेस। दिस इज क्वाइट अबाउट कॉमन अनलेस योर रिपोर्ट इज ओनली शॉर्ट about. Let's move on the next page about this summary. We have a summary is a recorded reader who write basically. किसने लिखी है ये? तो हम इसको इस तरह देखते हैं कि summary the summary consists of the major points कि जो भी हमारे major points होते हैं उनके conclusions recommendations it needs to be short के सामने वाले को समझने में थोड़ा सा आसानी होती है एंड जनरल ओवरव्यू हमारे पास कि हम अगर मैं कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सामने वाले को तो बेसिकली उसको इस बारे में तो बताऊँ कि को उसको पता चले कि एक ओवरव्यू है क्या, मैंने अपनी बुक के अंदर या अपनी रिपोर्ट के अंदर कोई चीज़ लिखी है तो उसके ओवरव्यू एक स्मॉल 3-4 लाइन्स के अंदर उसको पता चल जाए। ये हमारा समरी का ये चीज़ होती है। सम पीपल विल रीड अबाउट द समरी एंड ओनली स्किम द रिपोर्ट मेक श्योर के। अच्छा आपके पास ना बिल्कुल टाइम 5 मिनट हैं तो आप इसको मुझे सिर्फ बता दें कि कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे आपने टाइटल पेज कहा फिर समरी कहा फिर उसके बाद फर्दर पॉइंट्स क्या, मुझे उसको एक्सप्लेन कर दें कि ये पॉइंट्स हैं हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर। अच्छा सर हमारे पास बेसिकली समरी है जो एक्नॉलेज हम करते हैं सामने वाले अगर किसी को बताने के लिए
तो उसके बाद हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे पास इस तरह है कि सर शो द रीडर अबाउट वेयर द वेरियस सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट आर लोकेटेड। इट इज राइटन अबाउट द सेपरेट पेज के डिफरेंट पेजेस हमारे पास आ जाते हैं कि किस तरह सामने वाले को आसानी होती है किसी भी पैरा पे जाने के लिए, किसी भी हेडिंग पे जाने के लिए। ये हमारे पास टेबल ऑफ कॉन्टेंट की इजिली एग्जाम्पल्स हैं जो की फीचर्स होते हैं हमारे पास इसके कॉन्टेंट के। और अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास ये है कि रीडर अपने बारे में बता रहा है कि अगर इंट्रोडक्शन टेल्स द रीडर अबाउट व्हाट द रिपोर्ट इज अबाउट कि रिपोर्ट में है क्या, अगर मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ तो उसमें बचती क्या है मेरे पास कोई चीज़, उसका वाइडर कॉन्सेप्ट क्या आता है, प्रोवाइड द बैकग्राउंड आ जाता है उसकी चीज़, इंफॉर्मेशन आ जाती है, रीडर नीड्स टू अंडरस्टैंड, वो उसको आसानी से समझ सकता है उस रिपोर्ट को। सो द अदर पार्ट डिस्कस अबाउट टेल अबाउट माई फ्रेंड तुराब लतीफ गौरी। सो थैंक यू सो मच सर। तुराब कैन यू स्टार्ट प्लीज? हेलो तुराब, हेलो, आगे के बाद हम तुराब तुराब सर इसके आपके पास सर इसके बाद हमारे पास एक पार्ट आता है बॉडी का। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही आ रही है, बोले जी सर। सर इसके जी बाद जी हमारे पास एक पार्ट आता है का जिसके अंदर हम ये ख्याल सर हमारे पास इसके बाद एक पार्ट आता है बॉडी का जिसके अंदर हम ये ख्याल रखते हैं कि रीडर किस तरीके से बॉडी का स्ट्रक्चर रखना चाहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि जो ये बॉडी मतलब जो रिसर्च पेपर पढ़ेगा, रिसर्च आपकी रिपोर्ट देखेगा, उसको ये पता उस आपको उसको ध्यान रखना पड़ता है कि जो है वो किस तरीके से उसको जो है देखेगा कि उसको किस सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो सबसे पहले क्या चीज पढ़ना चाहेगा। तो आप हमेशा बॉडी के अंदर यही चीज देखते हैं कि आपको स्ट्रक्चर रीडर के ख्याल के मुताबिक रखना चाहिए। जैसे आप उसके अंदर कोई लॉजिकल वे के अंदर कुछ नहीं रख सकते इसलिए क्योंकि जब रीडर पढ़ेगा तो उसे बहुत मुश्किल पैदा होगी कि उसने बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है सर फिगर टेबल इक्वेशन एंड फॉर्मूला। सर जब भी आप रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ फिगर्स देनी पड़ती हैं ताकि आप जो है ठीक है, देख इससे आगे सकें कि चलें। पहले आपने जो रिसर्च करी ओके ताकि आप ये देख सकें कि फिगर्स के अंदर क्या चीजें होती हैं, कि पहले क्या चीज थी और अब क्या चीज आई है आपकी रिसर्च के बाद। आप उसके अंदर कुछ टेबल्स डालते हैं, कुछ इक्वेशंस डालते हैं, कुछ फॉर्मूला रखते हैं इसलिए ताकि रीडर जो है आसानी हो ये सारी चीजें पिक करने के अंदर, ये सारी चीजें समझने के अंदर, अंडरस्टैंड करने के अंदर। उसके बाद हमारे पास एक पार्ट आता है कंक्लूजन। सर कंक्लूजन आपका जो है वो मिरर बेस्ड होना चाहिए आपके इंट्रोडक्शन का, इसलिए क्योंकि जो आप इंट्रोडक्शन देते हैं आपको पूरी सारी चीजें जो है ना उसके अंदर आपको कंक्लूजन के अंदर डिफाइन करनी होती है कीवर्ड के अंदर, ताकि अगर कोई आपका रिसर्च पेपर या आपकी टेक्निकल रिपोर्ट आपकी जब देखे तो उसे पूरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वो वहां पे कंक्लूजन पे जाए उसको पता चल जाए कि आपने किस बारे के अंदर किस बारे में और कितनी रिसर्च करी है और आपका जो रिजल्ट आया बेसिकली वो किस तरीके से आया। तो कंक्लूजन आपके मिरर की तरह होना चाहिए हमेशा, जिस तरीके से आप बिल्कुल देख के आप अंदाजा लगा सकें कि हाँ ये चीज मुझे समझ में आ गई है। सर उसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट आता है रिकमेंडेशन और इसको डिफाइन करेंगे जेन। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सिर्फ ये बता दो कि व्हाट इज टेक्निकल रिपोर्ट, कंटेंट्स क्या क्या हैं और टोटल मुझे कंटेंट्स बता दो कौन कौन से बगैर देखे। सर मैं जो रिकमेंडेशन का हमारे जी सर मुझे बगैर देखे बगैर स्लाइड्स पे देखिए जो आपने शुरू में कंटेंट्स लिखे थे ना जी, वो सिर्फ बता दें छह सात कंटेंट मैं बिना स्लाइड के बात जी सर। सर पे सबसे पहले आता है टाइटल पेज, ये बताएंगे जो लास्ट आए हैं। अच्छा सर हेलो जैन, देखा नहीं क्या बेटा आपने? हेलो आएंगे जैन, कंटेंट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले क्या आएगा टाइटल पे, दूसरे नंबर पे क्या आता है, इसके अंदर अभी आपने रेफरेंसेस का रेफरेंसिंग का भी नहीं डाला। रेफरेंसेस हेलो जैन जी, हेलो, हाँ बताएं। हेलो सर मैं डिफाइन कर दूं आपको
जल्दी बताएं जल्दी सर।